उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बारिश का मौसम खतरनाक हो गया है। पहाड़ों से अचानक मलबा सड़कों पर आ रहा है, जिससे लगातार हादसों का अंदेशा बना हुआ है। गुरुवार को भी टनकपुर इलाके के गुड़ना गांव में लैंडस्लाइड हुआ। नेशनल हाईवे के नजदीक लोग अपने घरों को जा रहे थे, तभी ग्यारह देवी के पास वे लोग ये सोचकर रुक गए कि आगे कुछ खतरा हो सकता है। उसी दौरान पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गया। अगर लोगों ने खतरे को पहले ही नहीं भांपा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश की वजह से इन रास्तों से गुजरना जोखिम भरा बना हुआ है। एक दिन पहले ही लैंडस्लाइड से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया था। हिमाचल प्रदेश का चंबा होली रोड भारी लैंडस्लाइड की वजह से 8 घंटे बंद रहा। इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार दोपहर को जीवरा मंदिर के पास अचानक पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर गिर गईं। इससे गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। गनीमत रही कि जिस समय चट्टानें गिरी उस समय सड़क पर कोई भी गाड़ी और राहगीर नहीं था, वरना जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। लोग कई घंटों तक रास्ते में फंसे रहे। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से करीब 8 घंटे के बाद रास्ता बहाल किया।